स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में स्टूडेंट्स बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। आप मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं और मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं लाइक अ नॉर्मल रियल नंबर। अब देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के एक आप स्टेटमेंट देखें तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इट मीन्स कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आप ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैट्रिसेस ऐड करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है एंड दैट कंडीशन इज कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम। यानी वो जो मैट्रिसेस हैं जिन्हें आप ऐड करने जा रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे जो मैट्रिसेस गिवन थे मैंने उनको राइट डाउन किया, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो स्टूडेंट्स आज मैंने उनका ऑर्डर भी मैंशन किया। देखें ऑर्डर क्या होता है, रोज इन टू कॉलम्स। ए मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 2 एंड कॉलम बी 2 हैं, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 by 2। इस तरह से बी मैट्रिक्स सी डी ई एफ, तो जितने भी मैट्रिसेस गिवन है हमने उनका ऑर्डर मेंशन कर दिया। अब देखें किनका ऑर्डर सेम है। तो स्टूडेंट्स जिनका ऑर्डर सेम होगा आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ये देखूं एक ऑर्डर 2 by 2 है और उसके अलावा स्टूडेंट्स ई का ऑर्डर 2 by 2 है, तो ऑब्वियसली ए और ई कैन बी एडेड, आप ए और ई को ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट्स उसके अलावा बी का ऑर्डर देखें दैट इज 2 by 1, और किसका ऑर्डर 2 by 1 है, दैट इज डी। तो स्टूडेंट्स बी एंड डी कैन बी एडेड, आप स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट कर देंगे। स्टूडेंट्स उसके अलावा सी देखें, सी का ऑर्डर है 3 by 2 एंड एफ का ऑर्डर भी क्या है 3 by 2, इनका ऑर्डर भी सेम है, तो सिंपली ये भी हो जाएगा सी एंड एफ कैन बी एडिड। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से बेसिकली शॉर्टकट्स आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, बट आपसे एमसीक्यू में जरूर पूछ सकते हैं। 2 मैट्रिसेस गिवन होंगे और आपसे पूछेगा कैन दे बी एडिड, येस नो और बोथ एंड नन ऑफ दिस, सम काइंड ऑफ दिस ऑप्शंस ही कैन मेक। नाउ स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें तो आपको स्टेटमेंट गिवन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, देखें फाइंड एडिटिव इनवर्स। देखें बेटा जी आपको पार्ट 1 में आपको मैट्रिक्स गिवन है ए हैविंग एलिमेंट्स 2, 4, -2, 1। स्टूडेंट्स इसके एलिमेंट्स आपको गिवन है दैट इज 2, 4, -4 एंड 1। तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो आपने इन एक्चुअल इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, और नेगेटिव मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं हमने डेफिनेशन में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, बस सिंपली चेंजिंग द साइंस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आप इसके साइन चेंज कर दें, -2, -4, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स 1 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स मैं आप थोड़ा सा बताता चाहूँ कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। बेसिकली ऐसा नंबर है जिसको हम उसी में ऐड करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 0। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी अ नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 0 हो जाएंगे। तो उसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, और सारे स्टूडेंट्स पार्ट्स इसी तरह से ही सॉल्व होंगे। मैं आपके लिए अब जो पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ दैट इज डी पार्ट। तो अगर आप डी मैट्रिक्स देखें तो डी मैट्रिक्स आपको गिवन है हैविंग एलिमेंट्स 1, 0, -3, -2, 2 एंड 1। स्टूडेंट्स इसका भी आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करें, साइन चेंज कर दें, 1 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 नेगेटिव हो जाएगा, 0 का साइन चेंज नहीं होता, 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट इज स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया अपने गिवन मैट्रिक्स का। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो भी मैट्रिसेस गिवन है आप उनको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो आई गेस आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें बुक से, आपको गिवन है इफ ए इक्वल्स टू -1, 2, 2, 1, बी 1, -1, सी -1, 1 एंड 2, सिमिलरली डी आपको गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड। इफ यू लुक एट पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टूडेंट्स ही इज आस्किंग ए प्लस 1, 1, 1, 1।
तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपने ए मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा ए की गिवन वैल्यू से, एंड दैट गिवन वैल्यू स्टूडेंट्स दैट इज माइनस वन टू टू वन प्लस वन 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 वन। अब स्टूडेंट्स बेसिकली दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, तो अब देखें कंडीशन आप चेक कर लें, ऑर्डर सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐड कैसे होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी माइनस वन ऐड होगा वन से। सिमिलरली स्टूडेंट्स टू ऐड होगा वन से, ये भी टू ऐड होगा वन से, और ये वन ऐड होगा वन से। तो बेटा जी जब इसे आप ऐड कर लेंगे तो ऑब्वियसली माइनस वन प्लस वन जीरो आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री आ जाएगा, ये भी थ्री आ जाएगा और ये टू आ जाएगा। सो दैट्स इट, ये आपकी सॉल्यूशन था। अब अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है बी प्लस, तो स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, बी से रिप्लेस कर देना है और फिर ऑब्वियसली सिंपली एड अप कर देना है। थर्ड पार्ट में आपको करवा रहा हूँ, दैट इज सी प्लस माइनस टू वन एंड थ्री। तो स्टूडेंट्स मैं सी को रिप्लेस कर रहा हूँ सी की गिवन वैल्यू से, और मुझे जो सी की गिवन वैल्यू है दैट इज वन माइनस वन एंड टू प्लस माइनस टू वन थ्री। स्टूडेंट्स ये एज इट इज रहेगा। अब देखें वन ऐड होगा माइनस टू से, तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, वन प्लस माइनस टू, स्टूडेंट्स माइनस वन ऐड होगा प्लस वन से और टू ऐड होगा थ्री से। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस एंड वन माइनस टू आंसर विल बी माइनस वन, स्टूडेंट्स ये जीरो आ जाएगा एंड इट विल बी फाइव। तो इनको ऐड करके जो आंसर आ गया दैट इज माइनस वन जीरो एंड फाइव। सो स्टूडेंट्स ये कुछ पार्ट्स थे इसके। अगर आप नेक्स्ट मूव करें पार्ट नंबर फोर, तो पार्ट नंबर फोर में आपसे कह रहा है डी प्लस समथिंग एक मैट्रिक्स गिवन है, तो ऑब्वियसली ये पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट फाइव की तरफ मूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज टू ए। अब देखिए स्टूडेंट्स इनके दरमियान कोई भी साइन यूज नहीं किया गया, तो इट मींस कि ये क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स टू एज इट इज आएगा और ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा ए की वैल्यू के साथ जो मुझे ऊपर मैट्रिक्स में गिवन है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स दैट वैल्यू इज माइनस वन टू टू वन। अब हम क्या करेंगे, ये जो टू है बेसिकली ये हर एक नंबर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसे ही है जैसे आप ब्रैकेट में, ब्रैकेट से बाहर अगर कोई नंबर हो तो आप उस नंबर को ब्रैकेट के हर टर्म से क्या कह देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम केस यहाँ पर भी ये जो टू है ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, माइनस टू फोर फोर एंड टू। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटे छोटे से एम सी क्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एम सी क्यू भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सेवन देखें, और पार्ट नंबर सेवन में आपसे कह रहा है माइनस टू टाइम्स ऑफ सी। तो स्टूडेंट्स माइनस टू एज इट इज आप रहने दें और सी को रिप्लेस कर दें सी मैट्रिक्स की वैल्यूज के साथ, एंड दैट इज वन माइनस वन टू। तो स्टूडेंट्स बेसिकली माइनस टू हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब माइनस टू आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू आएगा, माइनस टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे प्लस टू आ जाएगा, और माइनस टू टू से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा। दैट्स इट, ये इतना सा पार्ट था। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, दैट इज थ्री डी। तो स्टूडेंट्स डी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जो मुझे डी मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप देखें तो उसकी वैल्यूज है वन टू थ्री माइनस वन जीरो टू। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो थ्री है ये अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आ जाएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, थ्री इंटू जीरो जीरो एंड थ्री टू जा सिक्स। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री था। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेटमेंट देखें तो आपसे कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं आपने उनको परफॉर्म करना है। और स्टूडेंट्स वो क्या है, वो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। सो मूव करते हैं और देखते हैं। तो बेटा जी पार्ट वन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर फोर का, फाइंड द इंडिकेटेड ऑपरेशन, सॉल्व द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट आपके पास गिवन है ये टर्म, देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपका जो बोर्ड मैथ रूल है वो अप्लाई हो रहा है। आप लोग जानते हैं आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ बोर्ड मैथ, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर डिवीजन सब्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट, जो आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पर देखें
आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में क्या हो रहा है, ब्रैकेट में दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, ऐड करके एक सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगेन एड अप हो जाएगा। सो देखें जरा स्टूडेंट्स, 1+0 देन 0+2 सिमिलरली 0+3 एंड 1+0 प्लस ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा 1110। स्टूडेंट्स आप एड अप करें, जब आप एड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 1+1110। अब सिंपली बेटा जी दोबारा आपने क्या कर देना है, इसको दोबारा ऐड कर देना है। तो उसी तरह से जो हमारे पास रूल है फर्स्ट टर्म फर्स्ट में मींस 1+1, 2+1, 3+1 एंड सिमिलरली 1+0। तो जब से आप ऐड अप कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 2, 4, 3 एंड 1। तो बेटा जी सिंपली ऐड करके आपके पास आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट इसी तरह से ही है, वो आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें तो देखें बेटा जी यहाँ पे भी आपको मैट्रिसेस गिवन है और आपने इसको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए जस्ट उसने ब्रैकेट चेंज कर दिया, ब्रैकेट अब इन दो मैट्रिसेस पे है। तो मैं पहले इन दो को सॉल्व करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको मैं इससे सॉल्व करूंगा। तो देखें ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज लिखा जाएगा, यानी 2, 3, 1 प्लस, देखें बेटा जी ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 1-2, 0-2 एंड 2-2। तो देखें फर्दर ये आ जाएगा 2, 3, 1। अब स्टूडेंट्स 1-2 आंसर आएगा -1, 0-2 स्टूडेंट्स माइनस आएगा -2, 2-2 आंसर आएगा 0। अब दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स ऐड कर दें, 2+-1, 3+-2 एंड 1+0। तो स्टूडेंट्स 2-1, 1, 3-2, 1 एंड 1+0 आंसर विल बी 1। तो ये सिंपलीफाई होके आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप पार्ट देखें तो उसमें भी आपने जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनको सिंपली ऐड अप करना है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 और 5 एग्जैक्टली एक जैसे ही हैं, तो मैं आपके लिए पार्ट 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो लुक एट पार्ट 5, आपको मैट्रिसेस गिवन है 1, 2, 3, 2, 3, 1 एंड 3, 1, 2 प्लस 1, 0, -2, -2, -1, 0, 0, 2, -1। अब स्टूडेंट्स आपको ये मैट्रिसेस गिवन है और आपने सिंपली इनको क्या करना है, आपने इनको ऐड कर देना है। तो बेटा जी उसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड सेकंड के साथ। तो क्या लिखेंगे आप इसे, 1+1 इसे आप क्या लिखेंगे बेटा जी, 2+0 इसे आप क्या लिखेंगे, 3+-2। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट से तो क्या आ जाएगा, 2+-2। नाउ 3+-1, 1+0 स्टूडेंट्स 3+0, 1+2 एंड 2+-1। अब इन्हें आप क्या कर लें, इन्हें आप ऐड अप कर लें। तो स्टूडेंट्स जब इन्हें आप ऐड अप करोगे तो 1+1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2+0, 2, 3-2 तो स्टूडेंट्स 1, तो 2, 2 एंड +1। प्लस का साइन आप ना भी यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स 2-2 आंसर विल बी 0, 3-1 आंसर विल बी 2। तो स्टूडेंट्स यहां पे 2 आ गया और 1+0, 1। नाउ स्टूडेंट्स 3+0 ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा आपके पास, 3, 2+1, 3 एंड 2-1, 1। तो देखें सिंपलीफाई करके आपके पास जो मैट्रिक्स बना दैट इज दिस वन। तो स्टूडेंट्स सिंपली प्लस माइनस था। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें से ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस या जस्ट MCQs हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगर कोई भी क्यूरी होती है आपको तो जो नीचे नंबर्स मेंशन है आप उस पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।